अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी गर्मियों की छुट्टियां अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। और इसके साथ साथ उम्मीद करती हूं कि आप अपने फारिग वक्त में अपने घर वालों की उनके काम में मदद भी करवा रहे होंगे। तो बेटा, आज हमने इंग्लिश का समर टास्क डन करना है डे 5 के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले 4 दिनों का काम साफ़ सुथरा अपनी नोटबुक्स पर राइट कर लिया होगा और इंडेक्स में टॉपिक और डेट भी मेंशन कर ली होगी। तो सेम उसी तरह आज हमने डे 5 का समर टास्क राइट करना है। तो बेटा, आपने समर टास्क लिखने से पहले मार्जिन लाइन ड्रा करनी है, डेट मेंशन करनी है और इंडेक्स में टॉपिक नेम मेंशन करना है। तो इंग्लिश का समर टास्क स्टार्ट करने से पहले हम इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, तर्जमा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अब भरते हैं अपने इंग्लिश के समर टास्क डे 5 की तरफ। तो बच्चों, आज हमने पेज नंबर 40 और 49 पे समर टास्क के अकॉर्डिंग जो काम है वो अपनी नोटबुक्स पर राइट करना है। अब टेक्स्ट बुक से देखते हैं कि क्या काम है। तो जैसे कि पेज नंबर 40 पे आपके हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एडजेक्टिव गिवन एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग देम। वो क्या कह रहे हैं कि आपने ये जो वर्ड है ये बतानी है कि कौन सी काइंड ऑफ एडजेक्टिव है। जैसे कि कल हमने किया था रेगुलर और इरेगुलर एडजेक्टिव, तो उनकी डिफाइंस को मद्देनज़र रखते हुए बेटा आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है कि कौन सी काइंड ऑफ एडजेक्टिव है। देन इन वर्ड को आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 49 पर आपने ग्लॉसरी राइट करनी है। और ग्लॉसरी राइट करने में आपने सबसे पहले ये बात जहन नशीन करनी है कि आपने इक्वल डिस्टेंस रखकर लाइन ड्रा करनी है और वर्ड्स और मीनिंग की हेडिंग देनी है। देन आपने अच्छे वाले इंक पेन के साथ वर्ड्स राइट करने और इनके इंग्लिश मीनिंग राइट करने हैं। नेक्स्ट है इसी पेज पर ही आपके बेटा रीडिंग फॉर एनालिसिस। तो बेटा, रीडिंग फॉर एनालिसिस में आपके 2 क्वेश्चन हैं, ये दोनों ही आपने अपनी नोटबुक्स पर राइट करने हैं। क्वेश्चन है, आर यू इंस्पायर्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी? इफ़ यस, हाईलाइट सम ऑफ इट्स मेजर अचीवमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है, वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ वन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, व्हाई? मतलब आपने इन क्वेश्चन के जो आंसर है वो 2 पार्ट्स में है। पहले तो आपने यस और नो राइट करना है, देन आपने उसके आगे रीजंस बतानी है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के समर टास्क के इंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इसके साथ साथ आज की वीडियो का अख्तितम होता है। फ़ी अमान अल्लाह।